आज मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी तो आज मैं पढ़ रही हूँ, वरना मैं मेरी शादी हो गई होती, मेरे भी 2-3 बच्चे होते तो मैं वहीं रह जाती। तो कभी भी हमें अगर खुद में बदलाव लाना है या दूसरों में बदलाव लाना है तो पहले हमें खुद में परिवर्तन लाना होगा, तब जाके हम लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं। अभी अपनी बस्ती में जो भी लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं, अगर उनके पेरेंट्स का कुछ फाइनेंशियली इशू है या कुछ भी मतलब पेरेंट्स को गलत लग रहा है कि अगर वहाँ लड़की जा रही है तो लड़की के लिए डर है, तो उनको एक सेफ्टी के बारे में उनके साथ सेशन लेती हूँ और उनको बताती हूँ कि जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। तो इस तरीके से मैंने 10-15 जो लड़कियां हैं जो ड्रॉप आउट होने वाले थे उनको मैंने रिटर्न स्कूल में एडमिशन कराया और वो आज पढ़ रही है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं खुद में भी बदलाव लाई और अपनी बस्ती में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मुझे जब भी मैं पेरेंट्स को कन्विंस करने जाती थी ना, वो लोग अपना मतलब डोर बंद कर देते थे, क्योंकि वो ये बोलते थे जा चल तू हमारी बच्चियों को चढ़ाने आई है। जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं पेरेंट्स के कि अभी से लड़कियों को इस चीज़ के बारे में बताना इतना ज़रूरी नहीं है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे पेरेंट्स ने हम लोगों से मतलब इसके ऊपर बहस की है। लोग तुमको बहुत कुछ बोलेंगे, आप कभी भी पीछे मत हटना क्योंकि चैलेंजेस आते रहेंगे। हम जब सेंटर पे काम करते हैं तो हर एरिया में जाके हमारा एक 12-12 लड़कियों का ग्रुप बना है। वहाँ पे वो लड़कियों को हम लोग उनके पर्सनल हाइजीन के ऊपर, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर, और जो पेरेंट्स रहते हैं जिनके बच्चे कमज़ोर रहते हैं तो उनके पेरेंट्स को हम लोग कन्विंस करते हैं, और साथ में 0 से 5 साल के बच्चों के साथ हम लोग उनका वजन ऊंचाई करते हैं। जब से ये स्टार्ट हुआ तब से मैं बराबर आ रही हूँ उसको लेके, और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने मेरी बेटी में देखी हूँ।